नमस्कार मित्रों, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सबसे कठिन जो विद्यार्थियों को लगता है अपने आप में माने जाना विषय, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी केवल हमारी मानसिकता के कारण हमें कठिन लगता है। अगर हम लोग ये ठान लें तो यह सबसे इजी सब्जेक्ट हमारे लिए हो जाता है कि इसे हमें सरल तरीके से पढ़ना है। तो आज से हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की यूनिट को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करने का काम किया है। नेट, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा जैसे एग्जाम में जहां पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के विस्तृत क्वेश्चंस आते हैं, वहां किस तरह से आप इन प्रश्नों को सरल करें और सही करें, यह मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन यह शुरू करने से पहले रोजाना की तरह नियमित तौर पर कृपया लाइक कर दें। सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपने अपने फेसबुक वॉल के ऊपर इसे शेयर करें। साथ ही मुझे कमेंट्स कर अपने कीमती सजेशंस जरूर दें कि मुझे क्या और करना या ना करना चाहिए। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले एनाटॉमी जैसे विषय को क्रैक करने के लिए हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अलग करना होगा, और अलग कर सबसे पहले केवल और केवल हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में। और हम लोग सीधे शुरुआत एनाटॉमी की नहीं करेंगे, इसे सरल करने के लिए एक एक सूक्ष्म शब्द के ऊपर हम लोग गौर करेंगे। और इसलिए सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी शब्द का सार्थक शाब्दिक अर्थ समझेंगे। तो देखिए, एनाटॉमी प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है, क्लियर कीजिएगा। विज्ञान के अंदर बहुत सारे विज्ञान आते हैं, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। इसी तरह से एक विज्ञान का नाम है संरचना विज्ञान, लेकिन यह किसकी शाखा है? यह प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस की शाखा है। तो पहली चीज क्लियर कीजिएगा, एनाटॉमी स्वयं में एक विज्ञान तो है, लेकिन यह विज्ञान किसी और का जनक नहीं बल्कि अपितु प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल विज्ञान की एक ब्रांच है। जिस तरह बहुत सारी शाखाएं मैंने अब आपको बताई, उनमें से एक शाखा जिसका नाम क्या हो गया, हमारी एनाटॉमी संरचना विज्ञान। अब यह शाखा क्या काम करती है? यह समस्त जीवित चीजों के, जीवित मतलब मृत के बारे में कभी अध्ययन नहीं करेगा, केवल जीवित के बारे में अध्ययन करेगा। जीवित चीजों के संरचनात्मक संगठन से संबंधित है। संरचनात्मक संगठन मतलब संरचना किसे कहते हैं, देखिए समझिए। पहले डायग्राम को आप देखिए, पहला डायग्राम ये कह रहा है कि जब मनुष्य के शरीर की संरचना बनती है तो सबसे पहले आधार कौन देता है? कंकाल तंत्र। और उसके ऊपर मांसपेशियां लिपटकर या आकृति बनाकर क्या देती हैं? आकार देती हैं। तो यह संरचना बनी, खाली कंकाल या खाली मांसपेशियां। अगर खाली कंकाल हो तो हमारे शरीर की शेप जो है वो मूर्त रूप नहीं ले पाएगी, और खाली मांसपेशियां हो तो वो भी मांस के लोथड़ी की तरह नीचे गिर जाएंगी। तो कंकाल और मांसपेशियों ने मिलकर हमारे शरीर को एक विशिष्ट संरचना दी। कैसे? आप देखिए दूसरे चित्र के अंदर, डायग्राम के अंदर नाक के ऊपर गौर कीजिएगा। नाक की एक हड्डी होती है जिसे कहा जाता है नेजल बोन। अब ये नेजल बोन बेसिकली यहाँ तक होती है, आधी नाक तक हड्डी होती है। आधी नाक के आगे जो भाग है वो कार्टिलेजियस बोन है, लेकिन इसके ऊपर मांसपेशियों ने एक विशेष आकार इससे दिया जिसकी वजह से हम लोग इस नाक को उभार के रूप में पहचान पाते हैं। तो यह एक बेसिक संरचना हमारी बन गई अन्य लोगों से अलग। अलग अलग लोगों की संरचना अलग अलग होती है अपने अपने मांसपेशियों के आकार के आधार पर। तो स्पष्ट कीजिएगा पुनः एक लाइन के अंदर, एनाटॉमी प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है जो लिविंग ऑर्गन्स, या मैं कहूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्राकृतिक चीज़ों के, जीवित चीज़ों के संरचनात्मक संगठन का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। अब यह विज्ञान कब से बना या कब से इसकी पहचान हुई? तो देखिए 100-200 साल में यह विज्ञान नहीं खोजा गया। यह विज्ञान आज से हजारों साल पहले जब प्राकृतिक काल होता करता था, प्रागैतिहासिक काल हुआ करता था, प्री हिस्टोरिक पीरियड हुआ करता था, तब से यह विज्ञान चैनल में है। जैसा आप पहले डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, मनुष्य की उत्पत्ति मनुष्य के रूप में नहीं हुई, हमारे जो पूर्वज थे वह वानर के रूप में थे। हम लोग धीरे 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 उनसे कन्वर्ट होकर एक नई जाति के रूप में आए। हमारी जाति कौन सी है? होमो सेपियंस। कभी कालांतर में हमारे भी पूंछ हुआ करती थी, हम भी झुक कर चला करते थे, हमारे भी अग्रपाद जो हैं वह बड़े हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे मेंडल के उत्तरजीविता के नियम के कारण जिनका प्रयोग हमने नहीं किया वह लुप्त तो होते चले गए। लेकिन ये सब संरचना है, जैसा कि आप पहले डायग्राम में देख पा रहे हैं, बहुत सारी आपको खोपड़ी की आकृतियां दिख रही हैं। मनुष्य जब पैदा हुआ था या होमो सेपियंस की जब उत्पत्ति हुई थी तो उसकी जो खोपड़ी थी वाइडर हुआ करती थी, बॉर्डर हुआ करती थी।
धीरे 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 इसने सुंदरता के नियम को, एस्थेटिक नियम को अपनाते हुए अपना एक अजीब या विचित्र रूप धारण किया जो अन्य सभी संसार के प्राणियों से अलग है। दूसरे चित्र के ऊपर आइएगा, बड़े बड़े विशालकाय प्राणियों की आकृति हुआ करती थी, लेकिन एनाटॉमी ने यह बताया कि किस तरह से उनकी संरचना जो थी वह अन्य लोगों से अलग हुआ करती थी। पुराने समय में भी बताया जाता था डायनासोर जैसे विशालकाय जीव हुआ करते थे, और आज भी हम इसके बारे में लगातार अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। एनाटॉमी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, एक चीज़ आप क्लियर कीजिएगा, जब भी कभी यह बात आती है कि शिक्षा या शारीरिक शिक्षा का इतिहास किस देश से सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ, तो एक ही नाम आएगा, यूनान का। यूनान आधुनिक काल में एक ऐसा देश था जिसने सबसे ज़्यादा शिक्षा के दर्शन के ऊपर काम किया, सबसे ज़्यादा उस वक्त में वैज्ञानिक दिए। वर्तमान दौर में और लोग हो सकते हैं, अमेरिका, जापान, ये लोग आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस वक्त की, जब शिक्षा को कोई दर्शन के रूप में जानता नहीं था, तब यूनान ने एक भाषा या लिपि की शैली दी। कौन सी? ग्रीक भाषा। तो अधिकतर जो भी शब्दावली आपको मिलेगी ग्रीक या लैटिन भाषा में मिलेगी। एनाटॉमी शब्द की उत्पत्ति भी एक ग्रीक शब्द एनाटॉम से मानी जाती है। अब इस एनाटॉम को जब हिंदी से, सॉरी, इंग्लिश के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब था डिस, और डिस को हिंदी में कहते हैं विच्छेदन। जिस तरह से हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, तो फ़ोन पे हम लोग बात करते हैं, कई बार सिग्नल नहीं आता, फ़ोन कट जाता है, हम क्या कहते हैं? डिसकनेक्ट हो गया, मतलब संबंध विच्छेद हो गया। सेम ऐसे के ऐसे पुराने समय में जब डिससेक्शन किया जाता था, तो उस वक्त शरीर के अंदर से हमारी जो डर्मिस होती थी उसे, एपिडर्मिस को काटकर आंतरिक अंगों को देखा जाता। या दूसरे चित्र के अंदर आप देखिए, इसे कैडवर कहा जाता है, लाश का, मरने के बाद शरीर क्या कहलाता है? लाश कहलाता है। लाश का जो पोस्टमार्टम करते हैं वो कैडवर कहलाता है। दोनों ही स्थितियों के अंदर शरीर के डर्मिस एपिडर्मिस के लेयर को हमारे स्केलेटन से अलग कर आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन यह चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है कि कैडवर करके, मतलब पोस्टमार्टम करके, हम लोग आने वाले नए जीवित तत्वों के बारे में यह पता लगाते थे कि स्टमक कहाँ होता है, इंटेस्टाइन कहाँ होती हैं, इनकी वर्किंग्स कैसे होती है, और अगर हमको कभी काम करना हो तो इसके ऊपर कैसे काम किया जाए। एनाटॉमी संपूर्ण रूप से जीवित संगठनात्मक संरचनात्मक विज्ञान का अध्ययन है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा, इसके बारे में हम लोग कन्फ्यूज़ ना हो। अब देखिए, जब भी एनाटॉमी की बात आती है तो वह अधिकतर ह्यूमन एनाटॉमी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो बात आती है, भैया अगर ह्यूमंस, प्राणी तो बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर जानवर भी होते हैं और भी लोग होते हैं, और हमने बात करी कि शरीर संरचना विज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित संरचनाओं के ऊपर अध्ययन करता है, तो जो जानवर होते हैं वो भी तो जीवित होते हैं। तो देखिए, जानवरों के लिए जब हम लोग एनाटॉमी शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह एनाटॉमी ना होकर जूटोमी कहलाती है, जूलोजी, जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान के अंदर हम जब जानवरों की संरचना का अध्ययन करते हैं तो वह जूटोमी कहलाता है, जंतुओं की संरचना का अध्ययन करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रथम वीडियो के अंदर एक विशाल काय डायनासोर की स्कल का, खोपड़ी का विश्लेषण है, और दूसरे के अंदर एक बकरी नुमा जानवर की आकृति का अध्ययन लगाया गया है कि उसकी गर्दन की हाइट क्या है, उसकी बैकबोन की हाइट क्या है, और आंतरिक संरचना कैसी है। तो जब हम लोग बात करेंगे, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जानवरों के लिए जब इसका अध्ययन किया जाता है तो एनाटॉमी जूटोमी कहलाती है। अब इसके साथ एक प्रश्न और उठता है, यह प्रश्न ये उठता है कि भैया जीवित के अंदर तो पादप भी आते हैं, पौधे भी, क्योंकि पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो क्या उनका अध्ययन एनाटॉमी नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, लेकिन जब हम लोग पौधों की बात करेंगे तो पौधों की अपने आप में एक विशिष्ट प्रजाति होती है, विशिष्ट संरचना होती है, उनके जो ऊतक होते हैं वो मानव ऊतक से अलग होते हैं, जाइलम फाइलम इस तरह से होते हैं। तो पौधों के लिए जब एनाटॉमी, पौधों की वृद्धि और विकास सेम मानव की तरह ही होती है, उनकी वृद्धि विकास को पौधों के ऊपर पाई जाने वाली रिंग से, वले से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसकी उम्र कितने साल है। पौधे भी जीवित है, जब पौधा मर जाता है तो सूख जाता है। तो जब पादपों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह प्लांट एनाटॉमी कहलाता है, मतलब पादप संरचना विज्ञान के अंदर हम इसकी बात करते हैं। अब पुनः एक बार हम इसको क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल सरल भाषा के अंदर कि वास्तव में एनाटॉमी वास्तव में परिभाषा के रूप में क्या है। तो देखिए, शरीर रचना विज्ञान जीवों, अंगों और ऊतकों सहित, जीवों मतलब जिनमें जीवन हो, उनके अंग और ऊतक। अंग क्या होते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं मानव के शरीर की या किसी भी प्राणी की, तो सबसे छोटी संरचनात्मक यही होती है कोशिका। एक से ऐसी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं, एक जैसे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं।
तो ऊतक जो है, टिश्यू जो है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एनाटॉमी के अंदर भी। तो इनकी, क्योंकि ऊतक ही विभिन्न अंगों के रूप में हमारी संरचना बनाते हैं, ये कार्टिलेजियस ऊतक, यह भी कार्टिलेजियस ऊतक, या मैं बात करूँ ये भी सबक्यूटेनियस ऊतक, इस तरह से त्वचीय ऊतक ये कहलाते हैं। तो उनका वैज्ञानिक अध्ययन है। अब जब हम लोग ऊतक जीव और अंगों के वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं, तो शरीर के अंदर अलग अलग भाग होते हैं, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई सर है, लेकिन एनाटॉमी ये कहता है कि विभिन्न भागों पर जो ऊतक उपस्थित हैं वह अलग अलग काम नहीं करते, वो एक साथ अन्य भागों के साथ रिलेशन बनाकर, सहसंबंध बनाकर काम करते हैं। कैसे? आप दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख सकते हैं। प्रथम एग्जाम्पल, एक ब्रेन से सेंसेशंस आ रहा है, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ हमारे उपस्थित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कोई भी संवेदना देता है तो वह न्यूरॉन्स कोशिकाओं के माध्यम से, न्यूरॉन्स कोशिकाओं के माध्यम से मांसपेशियों को देता है। तो देखिए यहाँ मसल की एक क्रिया हो रही है, सार्टोरियस जो मसल है, सॉरी मैं बात करूं, बिल्कुल सार्टोरियस जो मसल है वो पैर को लिफ्ट करने का काम कर रही है। जब इसने पैर को लिफ्ट करने का काम किया, तो पैर को लिफ्ट सार्टोरियस मसल ने नहीं किया, एग्जैक्टली इसका जो सेंसेशन है यह ब्रेन से आया। ब्रेन ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, न्यूरॉन्स के माध्यम से, प्रत्येक न्यूरॉन प्रत्येक मसल के साथ एक गठजोड़ बनाती है, गांठ बनाती है, और न्यूरॉन ही मांसपेशियों को काम करने के लिए आदेश देती है। अब यह तभी संभव है जब एनाटॉमी या शरीर संरचना विज्ञान सभी हिस्सों को एक साथ लेकर चले। दूसरे डायग्राम को आप देखिए, श्वसन की क्रिया हो रही है, लेकिन देखिए श्वसन की क्रिया के अंदर जब श्वास बाहर जा रही है तो फेफड़े ऊपर हो रहे हैं, और जब श्वास अंदर आ रही है तो फेफड़े नीचे आ रहे हैं। अब इन फेफड़ों को ऊपर और नीचे ले जाने का काम कौन कर रही है? डायफ्राम नाम की एक मसल कर रही है। आप एग्जैक्टली देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। अब यहाँ भी एक तरफ तो श्वसन तंत्र, दूसरी तरफ मांसपेशीय तंत्र, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तभी यह संभव हो पाया है। तो सब एनाटॉमी या संरचना विज्ञान यह कहता है कि कौन कौन से शरीर के ऊतक किस किस भाग में जीवित रूप में उपस्थित है, उनका एक दूसरे भाग के साथ किस तरह से संबंध है। दोनों एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अब देखिए एक चीज और स्पष्ट कर से, बहुत से लोग कहते हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी, देखिए भैया एनाटॉमी अलग है, फिजियोलॉजी अलग है, और इसके साथ आती है एक बायोकेमिस्ट्री, वह इससे पूर्णतया अलग है। अब एनाटॉमी तो हमने अभी तक बहुत डीपली पढ़ा, फिजियोलॉजी क्या है? देखिए फिजियोलॉजी जब हम बात करते हैं तो शरीर की संरचना, दिल की आकृति मुट्ठी जैसी, खोपड़ी की आकृति शंकुनुमा, जब मैं बात करूँ ऊतक की आकृति एक त्रिभुज के उल्टे त्रिभुज जैसी, यह तो होगी संरचना। अब ये काम कैसे करते हैं? हृदय की धड़कन, यकृत का ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन, ये सारा काम अंगों की कार्य की यह फिजियोलॉजी के अंदर किया जाता है। अब यह काम करने के लिए शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा कैसे मिलती है? मांसपेशियों के अंदर एक्टिन मायोसिन नाम के दो मायोफाइबर्स होते हैं, यह एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं तो शरीर क्रिया करता है। अब यह क्रिया करने के लिए कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक तत्व पाया जाता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा को, जो हम भोजन खाते हैं उसको एकत्र करके रखता है, और उसको तोड़कर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब अकार्बनिक फॉस्फेट के रूप में तोड़कर दो अणु एडीपी के बचा लेता है, और एक अणु वह एटीपी का खर्च कर देता है, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, चिपकने वाले फॉस्फेट के तीन अणु में से एक अणु को वह ऊर्जा के रूप में खर्च कर देता है, और फिर क्या बच जाता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब फॉस्फेट के चिपकने वाले दो अणु बन जाते हैं। यह जो क्रियात्मक अध्ययन है यह उपपचय कहलाता है। कुछ क्रियाएं अपचय, कुछ अपचय, कैटाबोलिक एनाबोलिक, सामूहिक रूप से कह दिया मेटाबोलिज्म, ये सारा अध्ययन बायोकेमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से बिल्कुल एंटायर अलग है, इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इसके साथ एक प्रश्न और उठता है कि फिर एनाटॉमी अपने आप में है कैसा विज्ञान? तो देखिए जीव विज्ञान के अंदर आता है एनाटॉमी, नेचुरल साइंस के अंदर आता है एनाटॉमी, स्वाभाविक रूप से विकासात्मक जीव विज्ञान, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिस तरह से आप पहले डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कुछ बैक्टीरियाज अपनी आकृति या शेप को ले रहे हैं और किस तरह से उद्भवन की क्रिया हो रही है, यह विकासात्मक डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। दूसरे चित्र के अंदर आप देखिए, दूसरे चित्र के अंदर आपको भ्रूण विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, एक्सोलोटल, लंग फिश, चिकन और ह्यूमन, मानव, इनके सबके जब हम भ्रूण के अंदर बच्चा होता है तो इनकी एक विशेष शेप होती है, घुटने मुड़े होते हैं और आगे गर्दन झुकी होती है, यह भ्रूण विज्ञान के अंदर बताता है। एनाटॉमी ये कहता है कि धीरे धीरे किस तरह से शरीर संरचना बनती है, आकृति लेती है, शेप लेती है, तुलनात्मक शारीरिक रचना कंपरेटिव बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है एनाटॉमी। तीसरे चित्र को आप देखिए, यहाँ पर मनुष्य के हाथ को दिखाया गया है, मनुष्य के हाथ को,
कुत्ते के हाथ को, पिग के हाथ को, भेड़ के हाथ को, घोड़े के हाथ को। और यह बताया गया कि मनुष्य के कंधे के ऊपर हड्डी होती है स्कैपुला, इसके साथ होती है ह्यूमस, फिर रेडियस और अल्ना, यह इसके अग्रपाद कहलाते हैं। मनुष्य अपने आप में एक विचित्र प्राणी है जो दो पादों से गमन करता है, बाकी सभी ऑलमोस्ट सभी जो जानवर वगैरह हैं वो चतुष्पादी होते हैं, उनके पैर होते हैं, ये हाथ नहीं कहलाते, पैर कहलाते हैं, अग्रपाद पश्चपाद। लेकिन मनुष्य भी कभी जब होमो सेपियन से पहले जब कभी वानर के रूप में था तो उसके भी ये अग्रपाद कहलाते थे, इनको वो रैंकर चलने में काम लेता था। तो एनाटॉमी सभी दूसरे जानवरों के साथ, मैमल्स के साथ, दूसरे प्राणियों के साथ यह तुलना कर बताता है कि देखिए मनुष्य की और अन्य जानवरों के अग्रपाद पश्चपाद या शारीरिक संरचना के अंदर क्या अंतर है या क्या तुलना है। और चौथी बात, विकासवादी जीव विज्ञान इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाता है, जिसके अंदर हम लोग स्पष्ट तौर पर यह समझते हैं, चौथे डायग्राम को देखिएगा कि किस तरह से चार मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठा हो रहे हैं जिससे एनर्जी जनरेट हो रही है, यही हमारी मांसपेशियां कहती है। मांसपेशियों के अंदर भी ये काम होता है, जब मांसपेशियां छोटी होती हैं तो छोटी होकर बल पैदा करती है जिससे मनुष्य के अंदर चलने के लिए या जानवरों के अंदर चलने के लिए गमन करने का गुण पैदा हो पाता है। इसी के साथ हम लोग एनाटॉमी की ब्रांच की बात कर लेते हैं, मोटे मोटे तौर पर एनाटॉमी के कितने भाग होते हैं। देखिए एनाटॉमी दो तरह की होती है, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक की। मैक्रो का मतलब बड़ा, जो दूर से ही दिख जाए, मैक्रो का मतलब जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की जरूरत ना पड़े, जो बड़ा हो, दूर से नग्न आंखों से दिख जाए, तो यह मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाती है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जिसको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़े, तो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी यह कहती है कि मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऐसी चीजें मनुष्य की जो हमको नग्न आंखों से देखने पर ही पता लग जाए, वह मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाती है, जिसके अंदर केवल हम आंखों की सहायता से मनुष्य की सकल संरचना का अध्ययन कर ले, तो सकल संरचना को ग्रॉस एनाटॉमी भी कहा जाता है। फिर बात आती है कि इसको एक सुपरफिशियल एनाटॉमी भी कहा जाता है। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर से ही छूने पर महसूस करना। तो देखिए जब ये बात करेंगे हम लोग कि सतह पर जो चीजें उपस्थित है, ये मेरी नाक, ये मेरा कान, मैं ऊपर से छू पा रहा हूं, ये सब मेरी सरफेस पर रखे हुए हैं, तो इसे सरफेस एनाटॉमी भी कहेंगे। चार चित्र मैंने यहाँ पर दिए, इन चारों चित्रों को आप देखिए कि क्यों इसे सुपरफेशियल, सरफेस, ग्रॉस एनाटॉमी या नग्न आंखों से दिखने वाली सतही शरीर संरचना विज्ञान या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कही है। पहले चित्र के अंदर देखिए, इसने अपने हाथ के ऊपर, यहाँ आप महसूस करके देख सकते हैं, कार्पस होते हैं, अलग अलग पांच हड्डियां होती हैं जो हमारे आगे फलेंजेस के अंदर जाती है, मेटाकार्पल्स के अंदर जाती है, ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फलेंजेस, यहाँ कार्पल्स होती हैं कलाई के अंदर, ये आप महसूस कर सकते हैं, यही आगे मेटाकार्पल्स में जाती है और ये फलेंजेस के अंदर जाती है, इसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। दूसरे डायग्राम के अंदर देखिए, इसने बताया कि कोहनी का जो जोड़ है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्यूबिटल फोस्का नाम का एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे से एक्सटेंसर सुपिनेटर मसल जो होती है फोम, आपको वह ट्विस्ट कराने का काम करती है, वह रोटेट कराने का काम करती है, तो इसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं कि रेडियस और अल्ना हड्डी, अल्ना के चारों तरफ रेडियस घूम रही है, तो इस तरह से इसे छूकर या ऊपर ऊपर से हम लोग महसूस कर सकते हैं। तीसरे डायग्राम के ऊपर आइए, ये स्पष्ट बता रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कि यहाँ पेक्टोरिस मेजर है, यहाँ पेक्टोरिस माइनर है, यहाँ पर जब मैं बात करूँगा तो हमारे रेक्टस एब्डोमिनस या कोर मसल्स हैं, सिक्स पैक एब मसल्स हैं, इन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं। चौथे डायग्राम के ऊपर आइए, यहाँ ये बता रहा है कि स्टर्नम हड्डी के ऊपर एक्सटर्नल एंगल है जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि यह गर्दन के अंदर जो गड्ढा है, यहाँ इसके जगलर नोच होती है दोनों तरफ, जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं, और इसके बगल में इसने बताया कि क्लेविकल नाम की हड्डी होती है जिसे कॉलर बोन कहा जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर जिनको हम नग्न आंखों से देख पा रहे हैं, छूकर महसूस कर पा रहे हैं, वह मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सकल एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, सतही संरचना विज्ञान या सुपरफेशियल एनाटॉमी के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कौन सी होती है, तीन चित्र यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हैं। पहले के अंदर कोशिका की आकृति दिखाई है, दूसरे के अंदर मांसपेशी की आंतरिक संरचना दिखाई है, और तीसरे के अंदर कपाल के अंदर ब्रेन की आकृति दिखाई है। तो देखिए बिना सूक्ष्मदर्शी के हम लोग कोशिका का अध्ययन नहीं कर सकते, यहाँ हम कोशिका का अध्ययन नहीं करेंगे, यहाँ हम कोशिका की संरचना की बात कर रहे हैं। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी कॉय, इन सबकी संरचना किसके अंदर मालूम की जाती है, सब ये एनाटॉमी के अंदर मालूम की जाती है। एनाटॉमी बताती है कि किसकी संरचना कैसी है, तारक का सेंट्रोसोम को तारा जैसा क्यों कहते हैं, क्योंकि एनाटॉमी ने उसकी संरचना को बताया। दूसरे चित्र में देखिए, बता रही कि एक मांसपेशी जो होती है, वह मांसपेशी एक मांसपेशियों के समूह का बंडल होती है जिसे मायोफाइबल कहा जाता है। एक एक मायोफाइबल मिलकर बहुत सारे मायोफाइबल मिल जाते हैं
जिन्हें मसल बंडल कहा जाता है, वह एक मसल फाइबर कहलाता है। तो इसे भी हम लोग अंदर सतह से छूकर मालूम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहेंगे कि मांसपेशियां एक सिरस की, द्विसिरस की, यूनिसेप्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब संरचनाएं हमें एनाटॉमी या संरचना विज्ञान ने बताया। तीसरे चित्र के ऊपर आइए, स्कल को तो हम लोग छू सकते हैं, यहाँ खोपड़ी, लेकिन खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है उसे, उसकी आकृति को समझने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अंतिम बात हम लोग कर लेते हैं कि एनाटॉमी के बारे में अभी पिछले 100 सालों से ज़्यादा बातें क्यों होने लगी है। तो देखिए, 20वीं सदी से पहले पहले एनाटॉमी का मतलब केवल कैडावर्स या लाशों का पोस्टमार्टम या डिसेक्शन करने तक ही होता था, जानवरों का डिसेक्शन करना। लेकिन वर्तमान में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है और विज्ञान के अंदर शरीर के आंतरिक संरचनाओं का पता लगाने के लिए बहुत सारी उच्च तकनीकें आ गई हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैं बात करूँ CT स्कैन, मैं बात करूँ खोपड़ी के लिए इलेक्ट्रोएन्सियोफेलोग्राफी EEG, या मैं बात करूँ हृदय के लिए ECG इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राफी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न मशीनों के माध्यम से, पहले चित्र के अंदर आप देखिए, यहाँ पर यह हृदय के बारे में बता रहा है, हृदय की आकृति बंद मुट्ठी जैसी होती है आप देख सकते हैं, लेकिन इस आकृति को, इसको बताया किसने, जब डिसेक्ट किया गया, बॉडी को चीरा गया, तो देखा गया कि हृदय के अंदर बंद मुट्ठी जैसी आकृति होती है शरीर के अंदर, और वहीं पर जो चित्र में आप देख रहे हैं यह ऐसे नोड कहलाता है जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, इसे पेसमेकर भी कहा जाता है। यह सब इसकी संरचना, इसकी आकृति, यह सब एनाटॉमी की वजह से संभव हो पाया डिसेक्ट करने के बाद। दूसरे चित्र में देखिए, यह गले का विच्छेदन कर रहा है जिसे थ्रोट कहा जाता है, जिसे श्वास नलिका कहा जाता है। अब इस थ्रोट के अंदर स्पष्ट तौर पर यह बता रहा है कि थ्रोट के दोनों तरफ क्या होती है, आपने पढ़ा होगा थायराइड ग्रंथि होती है, उसके चारों तरफ क्या होती है, पैरा थायराइड ग्रंथि होती है। तो जब तक हम लोग थ्रोट को डिसेक्ट नहीं करेंगे, थ्रोट 13 सेंटीमीटर की होती है, एक बार तो थ्रोट के बारे में अध्ययन कैसे हो पाएगा, ये सब सरल किया एनाटॉमी ने। तीसरे चित्र के अंदर आइए, इसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, गर्भस्थ शिशु के विकास या वृद्धि के बारे में डॉक्टर समय समय पर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, सोनोग्राफी के माध्यम से बता देता है कि अब आपके बेबी की लंबाई इतनी हो रही है, अभी चौड़ाई इतनी हो रही है। तो यह सब संरचना के बारे में बताते हैं। और चौथे अंतिम चित्र के ऊपर आइए, ब्रेन के अंदर अगर कोई क्लॉट जम जाए तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोगेटा, ये सेरेब्रल पाल्सी, ये सारी चीजें हमें संरचना विज्ञान के माध्यम से पता लगती है, CT स्कैन हम लोग करते हैं। इसलिए एनाटॉमी आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, और एनाटॉमी ट्रेडिशनल विज्ञान नहीं रहा है। जहाँ पर ट्रेडिशनल विज्ञान में केवल डिसेक्शन किया जाता था, कैडावर्स किया जाता था, लाशों का पोस्टमार्टम होता था, अब एनाटॉमी चोटों को डायग्नोस करने में, शरीर की वृद्धि विकास को बताने में, आंतरिक अंगों की संरचना बताने में भी काम में लिया जाता है। तो देखिए मित्रों, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ आज हमने शुरू कर दिया है, और आपको नेट, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसी अति उत्कृष्ट तैयारी हम कराते रहेंगे। आज बेसिक से हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी शुरू किया है। मेरा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, शेयर जरूर कर दे अपनी फेसबुक वॉल पे, और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए आगे और अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।